और वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अब से कुछ ही देर बाद छिंदवाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। वह रविवार से 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा में हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन आज यानी सोमवार को सुबह 11 बजे से यानी कि अब से कुछ ही देर में अधिकारियों के संग वो चर्चा करेंगे, क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने हवाई पट्टी से रोड शो भी किया था जो 7 किलोमीटर तक चला था। काफी संख्या में समर्थक नजर आए थे, कार्यकर्ता नजर आए थे और इसके बाद सीएम कमलनाथ एक सभा को संबोधित करने के लिए दशहरा मैदान पहुंचे थे। इससे पहले छिंदवाड़ा पहुंचकर कमलनाथ ने कहा कि वो यहां उम्मीदवार बनकर आए, सांसद बनकर आए, केंद्र मंत्री बनकर आए और अब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। कमलनाथ के मुताबिक छिंदवाड़ा की जनता के लिए उनके मन में प्रेम, श्रद्धा, सम्मान और लगाव हमेशा रहा है। आपको बता दें कि कमलनाथ के 3 दिनों के दौरे में को देखते हुए सुरक्षा की खास व्यवस्था कर रखी थी। छिंदवाड़ा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा गाड़ियों के आने जाने और पार्किंग की जगह भी निर्धारित कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सुबह से देर रात तक भारी गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा सुरक्षा के लिहाज से। और इसके अलावा शहर भर में कमलनाथ के लिए स्वागत द्वार बनाए गए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ 1 जनवरी तक छिंदवाड़ा में रहेंगे और इसके बाद वे यहां से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। जानकारी ये भी है कि इस दौरान कमलनाथ अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। कई और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत वो करेंगे। बल और शक्ति मुझे मध्य प्रदेश के नए इतिहास के लिए की है और आज अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में झंडा लहराता है तो छिंदवाड़ा जिले का झंडा सबसे पहले लहराता है, कांग्रेस का झंडा सबसे पहले लहराता है।